बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएम करंट अफेयर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तजा। तमाम दोस्तों को मोहब्बतों पर असलाम और तमाम नाजरीन को और तमाम हमवतनों को ईद उल फितर मुबारक हो। नाजरीन, आज खान साहब ने ईद उल फितर की नमाज जो है वो आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने रहायशगाह पर अपनी आवाम के अंदर जमान पार्क में अदा की। नाजरीन, इतने खतरात होते हुए भी उनकी जान पर एक कातलाना हमला हो चुका है और अभी और होने के जो है अमकान बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी वो खुले आसमान के नीचे अपनी आवाम के दरमियान में वो नमाज ईद उल फितर अदा कर रहे हैं और बड़े मुतमैन बैठे हैं और अपनी आवाम के दरमियान में बैठे हैं। तो भाई, यही होता है एक नज़रियाती जो लीडर होता है, जो आवाम का दुख दर्द वाला लीडर जो होता है भाई, वो अपनी आवाम के अंदर ही बैठता है। तो भाई, आज उन्होंने जमान पार्क में अपनी आवाम के दरमियान में जनाब उन्होंने नमाज अदा की है। तो तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर ईद उल फितर मुबारक हो। तो देख लें आप खान साहब वो कैसे बैठे हैं और जनाब ईद उल फितर अपने आवाम के अंदर उन्होंने अदा की है। तो ये थी जी आज की छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि खान साहब ने और उसकी जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर लोग थे और जो जितने भी उनके आवाम जो उनको चाहने वाले जो थे उन्होंने आज खान साहब के साथ ईद उल फितर अदा की है और उन्होंने जो नमाज है वो जमान पार्क में खुले आसमान के नीचे अदा की है। ठीक है, अंदर लुक कर, अंदर छुप कर, अंदर मतलब कर ये अदा नहीं की है। तो यही जी, इतनी खतरात होते हुए भी खान साहब ने आज नमाज ईद उल फितर अपने आवाम के दरमियान में अदा की है। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। यही थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए करंट न्यूज़ के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।